दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का बताया जा रहा है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर डीजे को रोककर उसमें अपशब्द वाला गाना बजाया गया, जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। गाना ऐसा था कि उसमें गालियां बकी हुई थी। गंदी मानसिकता वाले लोग मस्जिद के सामने आकर उथल पुथल करने लगे और मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए गालियों वाला गाना बजाने लगे। साथ ही साथ मस्जिद के ऊपर गुलाल भी फेंका गया। सत्ता के पालतू डिजिटल दंगाई पूछते हैं कि हर हिंदू त्योहार पर उपद्रव क्यों होता है। ये वीडियो उसी का जवाब है। आग खाओगे तो अंगार ही हगोगे। अगर अपनी आस्था, अपनी देवी, अपने देवता का इस्तेमाल दूसरों को गाली देने के लिए करोगे तो तुम मानवता पर कलंक हो। तुम समाज के लिए जहर बन चुके हो। यूपी के बाराबंकी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ये गाली बजाई जा रही है। ये भीड़ माता की मूर्ति और दशहरा जैसे पावन पर्व की आड़ में ये दुष्कृत्य कर रहे हैं। आरोप है कि यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। मामले में 3 गिरफ्तार हुए, जबकि 40 से ज्यादा लोगों पर FIR भी हुई है। हिंदू लड़कों को दंगाई भीड़ में बदला जा रहा है। वो हर त्योहार पर यही करते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाना, मुसलमानों के घरों में घुस जाना, कहीं पर हरा झंडा उतार कर भगवा फहराना, उन्हें चिढ़ाना। ये सब धर्म की आड़ में हिंदुओं से करवाया जा रहा है। अगर कोई रोकता है तो दंगा होता है। इनका समर्थन करने वाले राक्षसों से पूछो कि ये करके वो कौन सी धार्मिक महानता हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका नवरात्रि व्रत पूजा और धर्म से थोड़ा भी वास्ता होगा तो आपको शर्म आएगी कि आपकी आस्था को दंगे का औजार बना दिया गया है। खतरा मुसलमानों से नहीं, उन सियासी खूंखार जानवरों से है जो आपके धर्म को कलंकित करके आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए सचिन गुप्ता नामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर है, इन्होंने लिखा, यूपी के जिला बाराबंकी में कल दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर डीजे पर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। आरोप है कि इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। मामले में डीजे संचालक रवि अभिषेक सहित 3 गिरफ्तार हुए, जबकि 40 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर FIR भी हुई। दोस्तों आप सभी की इस वायरल वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताएं। आज की इस खबर में बस इतना ही।